Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Garh Road sthit Dr. Vipul Tyagi ke clinic mein do badmashon ne ghuskar lootpaat ki. Dr. Vipul Tyagi jaise hi clinic se ghar ke liye nikle the, badmashon ne is waardat ko anjaam diya. हालांकि दोनों बदमाशों ने पहले डॉक्टर विपुल के वहां होने अथवा न होने की जानकारी स्टाफ से ली थी। बदमाशों में शामिल एक युवक पहचान छिपाने के लिए हेलमेट लगाए हुए था। इस वारदात के दौरान स्टाफ में खासी दहशत देखी गई। दोनों बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। दरअसल गढ़ रोड पर टिम्बकटू रेस्टोरेंट के सामने नौचंदी थाना क्षेत्र में डॉक्टर विपुल त्यागी का क्लिनिक है। बुधवार की दोपहर वह जैसे ही क्लिनिक से निकले, दो बदमाशों ने क्लिनिक पर धावा बोल दिया। क्लिनिक के स्टाफ ने घटना के बारे में पुलिस को यह जानकारी दी। उसने कमंचा नहीं निकाला था, उसने कहा दे जो भी है तुम्हारे पास। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दे तुझे। तब उसने कमंचा निकाला और तब उसने आप मेडिकल स्टोर पे तब उसने गोली डाली। वो फिर एक नंबर एक मेरे ऊपर खड़ा हुआ, वो देखिए तब जाके हमने फिर कर ली गोली। उसके बाद डाली लोड कराया हमारे सामने गोली डाली। पहले खाली कमंचा था, खाली कमंचा सर उसने हमारे सामने फिर उसके बाद उसने कहा पैसे निकालो। कितने पैसे थे तुम्हारे गले में अंदाजा? हाँ वही मतलब। वही डॉक्टर विपुल त्यागी ने यह है बताया। मेरा नाम डॉक्टर विपुल त्यागी है। सर आज एक यहाँ पर एक घटना हुई है, क्या पूरा मामला हुआ है? मैं क्लिनिक से निकल गया था और उसके बाद मेरे स्टाफ का फोन आया कि दो लोग आए थे। पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा और ये पूछा कि डॉक्टर साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे। उसके बाद इन्होंने बोला डॉक्टर साहब चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने तमंचे निकाले और इनके एक कनपट्टी पर रख के और पैसे लूट के ले गए। तकरीबन कितने की लूट हुई है? तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये की लूट हुई है। किसी पर शक? अभी तो सर मैं किसी को शक नहीं कर सकता। तो क्या स्टाफ द्वारा जानकारी मिली है तब आप आए हैं या यहाँ थे? स्टाफ के द्वारा फ़ोन करने पर मैं आया। मेरे निकलने के 5 मिनट बाद ही लगभग ये घटना हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।